स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल ऑरकल क्लासेस में। दोस्तों, UPPCL TG2 का एग्ज़ाम लगभग अगस्त के लास्ट वीक या सितंबर फर्स्ट वीक में होना संभावित है, तो उसी को लेकर हम लोग रिवाइज क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे AC सर्किट के बारे में। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। AC दैट्स मीन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी पहले समझते हैं, यानी प्रत्यावर्ती राशि। ये होती क्या है? ठीक, तो प्रत्यावर्ती राशि के बारे में अगर बात की जाए तो ऐसी सभी राशियां जो हर एक समय पर अपने मान को परिवर्तित करें, यानी हर एक स्टैंड पर अपने मान को जो चेंज करती रहेंगी, वे सभी राशियां प्रत्यावर्ती राशि के अंतर्गत आएंगी। ठीक, जैसे अगर बात करें तो ये क्या है? प्रत्यावर्ती राशि है। ठीक, ये भी क्या है? प्रत्यावर्ती राशि है। ठीक है, क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये जो राशियां हैं ये समय के साथ अपने मान में परिवर्तन कर रही है। ठीक है, फिर एक कंडीशन इसमें और ऐड करेंगे कि वो राशि जो है आपकी पॉजिटिव और निगेटिव दो अर्ध चक्रों के सहायता से अपना एक संपूर्ण चक्र को कंप्लीट करेंगे। देखिए इसमें क्या है, ये आपका त्रिभुजाकार तरंग है, ट्रायंगुलर वेव है, तो इसमें भी आपको दिख रहा है कि ये एक साइकिल इतनी थी, फिर आपका परिवर्तन तो हर एक स्टैंड पे हो रहा है, हर एक क्षण पे परिवर्तन हो रहा है, लेकिन इतना ये क्या है ऊपर की दिशा में, इतना क्या है नीचे की दिशा में हो रहा है। सेम ऐसे यहां पर भी ये क्या है, साइनोसाइडल यानी जयवक्रीय तरंग है। AC सिग्नल ये भी है, ये इसका इतना पॉजिटिव है, ये इतना इसका क्या है निगेटिव है। ठीक है, तो वो राशियां जो हर एक क्षण पर अपने मान को परिवर्तित करेंगी वो कहलाएंगी हम लोग की प्रत्यावर्ती राशि। ठीक, और एक होती है क्या, DC, तो DC का मतलब होता है दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट। वहां पे हम लोग को कोई परिवर्तन नहीं मिलता, जो समय के सापेक्ष क्या होंगी स्थिर, वो DC होती हैं, जबकि जो परिवर्तित हो रही है वो कौन सी राशियां होंगी, AC राशि हो जाएंगी। ठीक है, फिर अगर हम लोग इसी AC क्वांटिटी को, इसी AC राशि को बांटें तो इसको हम लोग दो भागों में बांटेंगे। ठीक, एक होती हम लोग की सममित यानी सिमेट्रिकल यानी सममित, और दूसरी होती हम लोग की असिमेट्रिकल यानी कि असममित। एक सममित और दूसरा असममित, दोनों ही AC होंगी लेकिन एक सममित होगी, एक क्या होगी असममित। तो चलिए देख लेते हैं इस सममित और असममित का मतलब क्या होगा। देखिए, सिमेट्रिकल AC क्वांटिटी वो क्वांटिटी बोली जाएंगी जिसमें बोला गया ना AC में परिवर्तन हो और आपका जो एक चक्र होगा वो दो अर्ध चक्रों से मिलकर बना है। ठीक है, तो देखिए जितना पॉजिटिव साइकिल में चेंज हो रहा हो, यानी जितना प्रथम धनात्मक अर्धचक्र में परिवर्तन हो रहा है उतना ही परिवर्तन आपको अगर उसकी निगेटिव साइकिल में भी दिख रहा हो, जितना परिवर्तन पॉजिटिव में हुआ उतना ही सेम अगर निगेटिव में भी हुआ है तो वो कहलाएगी हम लोग की सममित राशि। चाहे इसकी बात कर लें या हम ये, तो इसमें भी जितना पॉजिटिव परिवर्तन उतना ही निगेटिव में भी चेंज हुआ है, तो ये सब सिग्नल क्या होंगे, सममित सिग्नल कहलाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं असिमेट्रिकल की, तो जो कि सममित नहीं है वो क्या असममित है, यानी होगी तो प्रत्यावर्ती राशि ही लेकिन जितना पॉजिटिव साइकिल में चेंज हुआ है उतना आपका निगेटिव में नहीं होगा, उससे कम भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक, ये हो गया, या फिर इसको कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं, कोई भी AC सिग्नल हो। ठीक है,
तो ये आपका क्या कहलाएगा? असममित सिग्नल। ठीक, तो एसी क्वांटिटी थी दो प्रकार, सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल। तो ये हम लोगों ने देखा दोनों ही एसी सिग्नल हैं। अगर आपसे कहा जाए इनमें से बताओ एसी कौन है, तो ये चारों बने हैं, चारों क्या है? एसी सिग्नल है। फिर अगर और क्लासिफाई किया जाएगा तो ये सिमेट्रिकल सममित हो जाएगा, जबकि ये वाला क्या हो जाएगा? असममित सिग्नल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें चेंज बराबर हो रहा है दोनों साइकिल में, जबकि इसमें आपका पॉजिटिव में ज्यादा, निगेटिव में कम, जबकि इस वाले में क्या है? पॉजिटिव में कम और निगेटिव में ज्यादा का परिवर्तन हो रहा है। ठीक, चलिए, तो ये तो हम लोग का एसी के बारे में था। अब कई परिभाषाएं हैं। देखिए, परिभाषाओं को समझना काफी जरूरी है, क्योंकि कला, कलांतर, ये सब चीजें हमको तभी अच्छे समझ में आएंगी जब हमको एक एक परिभाषा स्पष्ट होगी। ठीक, तो आज हम लोग इन्हीं परिभाषाओं के बारे में ही बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें किसी भी तरंग की, वेव, तरंग, तो वेव यानी तरंग है क्या? तो किसी भी राशि का, किसी भी राशि का एक ग्राफीय निरूपण समय के सापेक्ष, एक्स और वाई एक्सिस पे, एक्स और वाई एक्सिस पे, जहां एक्स पे क्या होगा? समय, आपका टाइम होगा। तो इस एक्सिस पर इसका ग्राफीय निरूपण जो किया जाएगा यही कहलाएगा तरंग। तो तरंग मतलब किसी भी राशि का एक्स और वाई एक्सिस पर जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफीय निरूपण है, वो कहलाएगा हम लोग का वेव। ठीक है, वेव शेप, ये तरंग आकार यही है, ऐसे भी हो सकता है, त्रिभुजाकार, वर्गाकार, किसी भी प्रकार से वो हो सकता है। एक्स एक्सिस पे हम टाइम को प्रदर्शित करेंगे और ये हम लोग का हो जाएगा वाई एक्सिस, जो कि उसका मैग्नीट्यूड दिखा रहा होगा। ये तो तरंग की बात हो गई। ठीक है, चलिए, अब हम लोग देखते हैं इसमें कला, जिसको बोला जाता है फेज, जिसको बोलेंगे हम लोग क्या? फेज। ठीक, अब कला क्या है? जैसे सपोज दैट एक सिग्नल हम लोग का ये है और वहीं दूसरा सिग्नल हम लोग का कुछ इस प्रकार से, इसका नाम थे सिग्नल नंबर ए और ये वाला सिग्नल नंबर बी। ठीक है, जीरो यहाँ पे क्या होगा? 180 डिग्री यानी पाई, ये वाला क्या होगा? 2 पाई, ये बीच में मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा? पाई बाई 2। ठीक, यहाँ तक। तो कला का मतलब है, अगर आपसे पूछा जाए कि सिग्नल ए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो आप कहेंगे जीरो से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जबकि सिग्नल बी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो वो पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है। दैट्स मीन दोनों तो एसी सिग्नल हैं, दोनों ही एसी सिग्नल हैं, दोनों सिमेट्रिकल सिग्नल हैं, लेकिन लेकिन डिफरेंस क्या है? एक जीरो से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा पाई बाई 2 90 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है। तो हम कैसे बताए? उसकी स्थिति को देखकर बताया गया कि भाई ए जीरो से है, बी वाला पाई बाई 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो बस यही चीज क्या है उसका? कला यानी फेज। किसी भी सिग्नल की जो पोजीशन है, ठीक, किसी भी सिग्नल की जो स्थिति है, पोजीशन है, उसी को कहा जाता है क्या? फेज यानी कला। ठीक, प्रत्यावर्ती राशि में जो भी तरंग है उसकी जो भी स्थिति है, ये जो तरंग आकार हम लोगों ने खींचा है उसकी जो भी स्थिति है वही कहलाती है उसका फेज। ठीक, चलिए, अब बात करते हैं कलांतर की। कलांतर यानी फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस की। तो कला अंतर स्पष्ट ही है, कला में अंतर यानी कला बोला गया पोजीशन को। अब दो सिग्नल होंगे उसके पोजीशन में, उनकी स्थितियों में जो अंतर होगा वही कहलाएगा हम लोग का फेज डिफरेंस यानी कि कलांतर। ठीक, किन्हीं भी दो सिग्नल, यहां पे हम लोग के पास सिग्नल ए है और सिग्नल क्या है? बी है। सिग्नल ए जीरो से स्टार्ट हो रहा है, उसकी पोजीशन क्या है? जीरो से है, जबकि जो सिग्नल बी है उसकी पोजीशन कहां से है? पाई बाई 2 से है, 90 डिग्री से है। तो इसका मतलब दोनों सिग्नल की जो स्थिति है एक समान तो है नहीं, उनमें क्या है? अंतर है, वही अंतर कहलाता क्या है? कलांतर कहलाता है। ठीक है, कलांतर को हम लोग कोण के साथ, कोण के रूप में व्यक्त करते हैं, इसको हम लोग कोण के रूप में दर्शाएंगे। ठीक, अब जैसे अगर सिग्नल ए और सिग्नल बी में पूछा जाए कितना कलांतर है, तो आप क्या कहोगे? भाई यहां से आपको क्या दिख रहा है? जीरो से स्टार्ट हो रहा है ए वाला, बी वाला 90 से स्टार्ट हो रहा है, तो दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 90 डिग्री का।
कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो हम यही बोलेंगे कि जो सिग्नल ए और सिग्नल बी है उनके बीच में जो कलांतर है वो कितने का है, 90 डिग्री का कलांतर है। ठीक, यहां तक स्पष्ट है बात। चलिए, तो कला हो गया, कलांतर हो गया, कलांतर को हम लोग कोण के रूप में व्यक्त करेंगे। ठीक है, अब यहीं से एक दो परिभाषाएं हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं टाइम पीरियड की, आवर्त काल, टाइम पीरियड, इसको हम लोग लिखते हैं किससे, कैपिटल टी से। टाइम पीरियड को व्यक्त किया जाता है कैपिटल टी से। आवर्तकाल समय है तो मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। है क्या आवर्तकाल, एक चक्र को पूरा करने में लगने वाला समय किसी भी प्रत्यावर्ती राशि के। ठीक है, प्रत्यावर्ती राशि ये बनाया गया है। अब देखिए ए वाला सिग्नल देखते हैं, तो ए वाला सिग्नल यहां जीरो से स्टार्ट हुआ, ठीक, ये, और 2π पे आके क्या हो रहा है, समाप्त हो जा रहा है, अपना एक चक्र वो क्या कर रहा है, कंप्लीट कर ले रहा है। तो यहां पर इस 0 से 2π के बीच जो भी समय लगा है, ठीक, किसी भी सिग्नल के एक चक्र को पूरा करने में जो समय लगा है उसी को बोला जाएगा क्या, आवर्तकाल, टाइम पीरियड। स्पष्ट है बात, तो ये हो जाएगा इसका क्या, टाइम पीरियड। ठीक, चलिए अब यहीं से बात कर लेते हैं आवृत्ति की, यानी कि फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इसको लिखते हैं किससे, स्मॉल एफ से। ठीक, तो जो समय लगा एक चक्कर को कंप्लीट करने में, जो समय लगा वो कहलाया क्या, आवर्तकाल, है ना, एक चक्कर में लगा समय आवर्तकाल। अब उसी एक चक्कर में जो एक चक्र पूरा कर रहा है, ठीक है, ये जो भाई आपका एक चक्र जीरो से लेके क्या है, 2π तक कंप्लीट कर रहा है, तो एक सेकंड में, अब यहां पे जो समय लगा उसको क्या बोला गया, आवर्तकाल बोला गया। अब हम बात करें किसकी, आवृत्ति की। तो एक सेकंड में चक्करों की संख्या पर साइकिल, यानी एक, सॉरी, साइकिल पर सेकंड, साइकिल पर सेकंड, एक सेकंड में चक्करों की जो संख्या है, नंबर ऑफ साइकिल्स हैं, वही हम लोग का कहलाता है क्या, आवृत्ति। जो समय लग रहा है एक चक्कर को पूरा करने में वो आवर्तकाल कहलाएगा, और एक सेकंड में जितने चक्कर वो कंप्लीट किए होगा सिग्नल, वही कहलाएगा उसकी क्या, आवृत्ति। ठीक, तो देखिए अगर बात करें तो ये क्या था, सेकंड पर साइकिल, वही टाइम पीरियड क्या था, एक चक्र को पूरा करने में लगा समय, ठीक, 10 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर रहा है। ठीक है, अब जबकि आवृत्ति क्या है, साइकिल पर सेकंड है, यानी एक सेकंड में चक्करों की संख्या आपकी कहलाती है क्या, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। ठीक, बात समझ में आई, यानी अगर आप देखें टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी तो क्या दिखेगा आपको, दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही दिखेंगे, दोनों दूसरे के अपोजिट दिखेंगे। तो देखिए अगर रिलेशन निकाला जाए तो हम यही लिखते हैं, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी की अगर यूनिट की बात की जाए तो साइकिल पर सेकंड, या इसको क्या बोल देते हैं, हर्ट्ज, साइकिल पर सेकंड या फिर हर्ट्ज बोला जाता है। ठीक, आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर होंगी, वेव क्या है, कला क्या है, कलांतर क्या है, आवर्तकाल क्या है और आवृत्ति क्या है। ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, लेकिन जब सवाल आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, ये परिभाषाएं अगर आपको स्पष्ट है, ये वेव आपको स्पष्ट है, तो आप आसानी से प्रश्नों को बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं आवर्तकाल के बारे में, सॉरी आवर्तकाल तो हो गया, तरंग दैर्ध्य, ठीक है, तरंग दैर्ध्य यानी वेव लेंथ के बारे में। अभी आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू ये सब तो बात की बात है, अभी हम लोग केवल तरंग को लेकर समझ रहे हैं कि उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक, चलिए पहले बना लेते हैं, ये हम लोगों ने बनाया था टी, ठीक, 0π 2π, है ना, फिर बोला गया था क्या कि एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय कहलाएगा आवर्तकाल, टाइम पीरियड टी, एक सेकंड में चक्करों की संख्या कहलाएगी फ्रीक्वेंसी। अब हम लोग बात कर रहे हैं वेव लेंथ की, तरंग दैर्ध्य, इसको प्रेस करते हैं लैम्डा से, है ना।
चलिए, तो तरंग दैर्ध्य क्या है? दूरी है, ये दूरी है, एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर को पूरा करने में जो दूरी चली गई है उसी को कहा जाता है तरंग दैर्ध्य, यानी तरंग की लंबाई कितनी दूरी वो कवर कर रही है। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का लैम्डा, यही हो जाएगा। बात समझ में इतना, एक चक्कर के द्वारा चली गई दूरी ही तरंग दैर्ध्य कहलाती है। अब देखिए ये आवर्त काल, ये तरंग दैर्ध्य दिखाया एक ही पे गया, लेकिन दोनों क्या अलग अलग चीजें हैं। आवर्त काल समय है एक चक्कर को पूरा करने में लगा हुआ, जबकि तरंग दैर्ध्य क्या है, दूरी है एक चक्कर द्वारा जितनी कवर की जा रही है। ठीक, चलिए, तो मात्रक क्या हो जाएगा इसका, मीटर। तरंग दैर्ध्य किस में हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे तात्क्षणिक मान की। तात्क्षणिक मान, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तात्क्षणिक मान। ठीक, अब इसको भी तोड़ के समझे तो शायद अच्छे समझ में आए। इंस्टेंट, ठीक, यानी हर एक इंस्टेंट पर, हर एक क्षण पर, इंस्टेंट, इंस्टेंटेनियस, ठीक है, इंस्टेंट मतलब हर एक क्षण पर। तो तात्क्षणिक, यहां से भी समझ में आ रहा है कि हर एक क्षण पर, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जीरो से पाई तो दर्शाया गया, जीरो से 180 तो दर्शाया गया, अब इसके बीच में कई समय है आपके, ये है ना, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। जब आप यहाँ से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये जो मैग्नीट्यूड है, कोई भी तरंग हो, चाहे वोल्टेज की हो, चाहे वो करंट की हो, कोई भी तरंग हो, उसका मान कुछ इस प्रकार से है। इस क्षण पे देखे तो इसका मान क्या है, कुछ अलग है। इस क्षण पर जब देखे तो इसका मान क्या है, कुछ अलग है। बात समझ में आ रही ना, तो तात्क्षणिक का मतलब ही है हर एक क्षण पर, हर एक इंस्टेंट पर प्रत्यावर्ती राशि का जो मान हमको प्राप्त होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, तात्क्षणिक मान। यानी प्रत्यावर्ती राशि के प्रत्येक क्षण के मान को इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोला जाता है। ठीक, अब ये जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है ये किस प्रकार से लिखी जाएगी, इस पे कुछ समझ लेते हैं। तो देखिए ये जो तरंग दिख रही है आपको, ये हम लोग की जयावक्रीय है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, साइनोसॉइडल जयावक्रीय या फिर साइन वेव। ठीक है, साइनोसॉइडल या फिर साइन वेव, तो ये जयावक्रीय तरंग है। अब जो हम लोग का सिस्टम है, पावर सिस्टम है, उसमें हम लोग साइन सिग्नल को ही प्रिफर करते हैं। क्यों करते हैं उस पर अभी आगे डिस्कस हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए मान लीजिए कि हाँ हम लोग साइन वेव का ही यूज करेंगे। ठीक, तो अगर इस साइन वेव का, देखिए भाई मान लेते हैं ये T1 समय है, ये T2 समय है, ये समय है आपका, हर एक समय पर ये जो वैल्यू हमको दिख रही है, यहाँ पे कुछ अलग है, ये कुछ अलग है, यहाँ पे वैल्यू क्या है, कुछ अलग है। तो हर एक क्षण पे हमको अलग अलग मान प्राप्त हो रहा होता है, उसी हर एक क्षण के मान को हम कहते हैं तात्क्षणिक मान, यानी इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ठीक, यहाँ तक। तो हम अगर इस जयवक्रीय तरंग के लिए लिखें तो तात्क्षणिक मान को लिखेंगे, अगर ये करंट के लिए है तो I बराबर, अगर ये वोल्टेज के लिए है तो ये V बराबर। ठीक है, चलिए स्मॉल लिखेंगे, एक आपका बेसिक डिफरेंस है। मैक्सिमम मान, या अगर DC की बात करें तो उसको हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, जब AC में क्वांटिटी को दर्शाते हैं तो उसको हम स्मॉल में लिखते हैं। ठीक है, तो I मान लेते हैं अगर इसका, कि भैया एक I तरंग है। अब देखो जीरो से पाई में ये जो पॉइंट है, ये इसका क्या है, सबसे पीक वैल्यू है भाई, सबसे ज्यादा तरंग जो पीक पे है यही उसका पीक है, उसके बाद यहाँ से भी क्या हो रहा है, घटने लग रहा है, तो उसका ये अधिकतम मान है, महत्तम मान है, इसको हम लिख लेंगे आई मैक्स। ये क्या है, उसका अधिकतम मान है, आई मैक्स है। ठीक है, तो आई बराबर लिखेंगे आई एम, यानी आई मैक्स, और ये कौन सा सिग्नल है, साइन सिग्नल है, साइन थीटा। I बराबर आई एम साइन थीटा, ये इसको एंगल के रूप में 0 पाई पाई बाई 2 जितने पर भी है वो वहां पे लिख दिया जाएगा, या फिर इसी को हम दूसरे प्रकार से लिख सकते हैं, आई एम साइन ओमेगा टी,
साइन ओमेगा टी। अब बात आई कि ये ओमेगा कहाँ से आ गया, तो ओमेगा जो है ये कहलाता है हम लोग का एंगुलर वेलोसिटी, यानी कोणीय वेग। एंगुलर वेलोसिटी मतलब कोणीय वेग, ठीक। बराबर होता क्या है 2πf, होता क्या है ओमेगा बराबर 2πf। मात्रक क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड। मात्रक काफी इंपॉर्टेंट है, रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी बराबर 2πf, मात्रक क्या, रेडियन पर सेकेंड, ठीक। टी क्या है आपका, तो टाइम है, साफ साफ दिख रहा है एंगुलर वेलोसिटी। और सिग्नल कौन सा था, साइन सिग्नल था, इसीलिए इसको साइन के रूप में लिखा गया है। तो आई एम बराबर साइन ओमेगा टी। इतनी बात समझ में आई, चलिए अब देखिए, अब इसको एक बना के हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे हमको क्वेश्चन पूछेगा, क्या करेगा। अगर ये ऐसे कुछ आपके लिए बना है, ठीक, ये जीरो, यहां पे लिखा पाई बाई टू, ये आपका हो गया कितना पाई, ठीक है। यहां पे सिग्नल का मान दे दिया 100 वोल्ट, सिग्नल कितना हो गया 100 वोल्ट। तो ये 100 क्या है उसका अधिकतम मान है भाई, 100 क्या है उसका अधिकतम मान है। तो अगर ये मान लीजिए टी मेगा टी, ये आपका वोल्टेज का एक्सिस था, तो इस वोल्टेज के लिए अगर आपसे कहा जाए तात्क्षणिक मान को लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे, वी इज इक्वल टू वी एम, पहले उसका बेसिक लिख लेते हैं वी एम साइन ओमेगा टी, हमको ये लिखना होता है ना, या फिर क्या लिख सकते हैं साइन थीटा, ये भी तो है, साइन थीटा लिखिए या फिर साइन ओमेगा टी लिखिए, बात एक ही है, ठीक। चलिए तो देखिए क्या है, v इज इक्वल टू वी एम, मैक्सिमम वैल्यू कितनी दे रखा है 100, ठीक, इंटू साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या दिख रही है आपको पाई बाई टू, मतलब कितना 90 डिग्री, और साइन 90 का मान कितना 1 होता है, तो v बराबर कितना मिल गया हम लोग को 100 वोल्ट, ठीक है, कितना आसान है। और देखिए 90 डिग्री पर क्या अधिकतम मान होता भी है, तो इसलिए हमको अधिकतम मान मिल रहा कितना 100 डिग्री, ठीक। ऐसे ही अगर आपको दे दिया है, तो अब आप 60 डिग्री 30 डिग्री किसी भी क्षण पर उसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि चलो भाई पाई बाई थ्री पर निकाल के बताओ, पाई बाई थ्री पर निकाल के दिखाइए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 90 जगह पे पाई बाई थ्री का मतलब 180/3, यानी 60 डिग्री, और साइन 60 का मान रख के आप आसानी से वैल्यू को बता सकते हैं, ठीक। तो ये आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू के बारे में हो गया, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।